अल्लाह उन अहले ईमान से राजी हो चुका जो ए रसूल दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बेयत कर रहे थे। फिर एक टर्निंग पॉइंट कुरान ने बताया बद्र को कि जो बद्र में शरीक हुए कि इअमलू मा शिअतुम कद गफरतु लकुम, हे मेरे रसूल के बदरी सहाबा तुम जो चाहो करो मैंने पहले ही तुम्हें बख्श दिया, मैंने पहले ही तुम्हारी बख्शिश का फैसला कर दिया है। अब कोई ये ना कहे कि भाई इसके बाद वो कोई गलत काम करने लग जाएंगे, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जिसकी बख्शिश का फैसला फरमा दे उसकी हिफाजत भी फरमा देता है। वो इग्वाए शैतान उसके मकर में वो नहीं आ सकता। इसी तरह एक टर्निंग पॉइंट हिजरत है। फिर एक टर्निंग पॉइंट वो है कि जब मुसलमानों की तादाद अभी 40 को नहीं पहुंची थी, 39 थे, 40वें ईमान लाने वाले उमर फारूक बने। तो अब कुरान ने ऐलान किया कि या अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाहु व मनित्तबाका मिनल मुमिनीन, ए नबी आपके लिए अल्लाह काफी है और ये मोमिनों की छोटी सी जमात काफी है। आजकल लोग स्टिकर लगाते हैं बसों पर गाड़ियों पर कि अल्लाह ही काफी है। क्या कहते हैं? और अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह काफी है और मोमिनों की ये जमात काफी है। तो मैं कहता हूँ सारे कुरान को मानो भाई, मानते हो तो पूरे कुरान को मानो, हस्बुकल्लाह को भी मानो व मनित्तबाक मिनल मुमिनीन को भी मानो कि अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए अपनी नुसरत के साथ उन सहाबा की नुसरत का भी जिक्र फरमाया और ये उमर फारूक थे। इसीलिए उससे पहले मुसलमान छुप कर इबादत करते थे और वो ईमान लाए तो आ गए बैतुल्लाह में, खुलेआम इबादत कर दी। इसीलिए हुजूर ने अल्लाह से उनको मांगा था, अल्लाह से उनको मांगा। बाकी तमाम सहाबाए किराम मुरीदे रसूल थे और उमर मुरादे रसूल थे। बाकी सहाबाए किराम तालिबान रसूल थे और वो मतलूब रसूल थे। फिर उसके बाद वो मर्तबा आता है कि जब पहली बार गारे हिरा से आफ्ताब रिसालत तुलू हुआ तो सबसे पहले जो ईमान लाए, जो चार नफूस का तस्कर आता है उनका मर्तबा फिर सबसे जुदा है। तो हम अहले सुन्नत व जमात, हमारा इम्तियाज ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सबको मानते हैं, अंबिया को हम मानते हैं, अस्हाबे रसूल को हम मानते हैं, उम्महातुल मोमिनीन को हम मानते हैं, अहले बैत अतहार को हम मानते हैं, औलियाए कामिलीन को हम मानते हैं, आइम्मा दीन मतीन को हम मानते हैं। तो सबसे प्यारा मसलक अहले सुन्नत व जमात का है। वो बदनसीब हैं जो किसी को मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सबको मानते हैं और हस्ब मर्तबा सब के साथ हमारा अकीदत का और मोहब्बत का ताल्लुक मौजूद है। उन सब की खिदमात हैं इस्लाम के लिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि वो शान है जैसे आज से कुछ अरसा पहले 80 के अशरे तक दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक अमेरिकन और एक सोवियत यूनियन की। फिर सोवियत यूनियन डिजॉल्व हो गया, तहलील हो गया, वो सरनिगू हो गया। आज एक अमेरिकन सुपर पावर है, यूनिपोलर सुपर पावर।
इस्लाम जब आफ्ताब तुलू हुआ तो उस वक्त की दुनिया में भी दो सुपर पावर्स थीं, एक पर्शियन पावर थी कैसर की किसरा की और एक रोमन अम्पायर थी कैसर की। और फिर अल्लाह ताला ने इन दोनों सुपर पावर्स को उमर फारूक के कदमों में सरनिगुं कर दिया और इस्लाम उस दौर की यूनिपोलर सुप्रीम पावर बनकर सामने आया। इस्लाम जब मदाइन को फतह किया तो 30 खरब दीनार 30 ट्रिलियन दीनार माल गनीमत मुसलमानों के हाथ में आया और कायदे के मुताबिक वो माल गनीमत मदीने मुनव्वरा खलीफे वक्त के पास भेजा गया, सैकड़ों मील का फासला। और किन के हाथ आया? जिनके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं थे, पांव में पहनने के लिए पूरे जूते नहीं थे, घर से अटे हुए थे, भूखे रहते थे। जब आपने मस्जिद नबवी में जनाब उमर ने फैलाया तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कहा कि जनाब अमीर ये तो मसर्रत का मकाम है और आप रो रहे हैं। जनाब उमर ने फरमाया कि ये आंसू हुज्न व मलाल के नहीं, दुख और दर्द के नहीं, तअसुफ के नहीं, रंजो अलम के नहीं, ये तशक्कुर के आंसू है। फरमाया कि मैं हैरान हूं कि इतने कीमती जरो जवाहरात ये मुजाहिद वहां से सैकड़ों मील का फासला तय करके लाए और एक एक अमानत को महफूज करके पहुंचा दिया, एक सुई भी इधर से उधर नहीं। हजरत अली ने प्यारा जुमला फरमाया रजी अल्लाह ताला अन्हु कि ए अमीर, सिपाह इसलिए दयानतदार है कि अमीर दयानतदार है। आज लगता है कि नीचे लोग आटे को इसलिए तरस रहे हैं कि ऊपर कहीं खयानत हो रही है। अगर ऊपर अमानत हो तो उसके सोते नीचे भी फूटते हैं और ऊपर खयानत हो तो फिर खयानत ही फूटती है। तो ये हुजूर के गुलाम थे। अपने अहद खिलाफत में आप हज के लिए आए और बैतुल्लाह की पहाड़ियों में चले गए तो माजी याद आ गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर किसी ने कहा कि अमीर ये तो शौकत इस्लाम का दौर है, आप रो रहे हैं। फिर कहा कि हे नादान, ये तशक्कुर के आंसू हैं। खत्ताब के बेटे को अपना माजी याद आ गया, कहा कि एक खत्ताब का बेटा उमर था जो ऊंट चराया करता था। बाप उनका खत्ताब बहुत जरी और बहुत सख्त मिजाज था। रात को जब मैं ऊंट बांधने के लिए आता तो एक को पकड़कर घेर कर बांधता तो दूसरा भाग जाता, उसको घेर कर लाता तो तीसरा भाग जाता। मेरा बाप खत्ताब मुझे पीटा करता कि नालायक उमर, कुछ ये 10-20 ऊंट नहीं कंट्रोल हो रहे। कहा कि देखो, एक खत्ताब का बेटा उमर था जो 10-20 ऊंटों को कंट्रोल नहीं कर सकता था, एक आज गुलाम मुस्तफा उमर है जो 26 लाख मुरब्बा मील को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हम सबकी तकरीम करते हैं, हम सब का इकराम करते हैं। और फिर अहले बैत अतहार रसूल, जिनके बारे में कुरान ने कहा कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ा अहलल बैत وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا। कि अहले बैत रसूल, अल्लाह चाहता है कि तुम्हें हर रिश्ते से पाक कर दे, मुकम्मल पाक को साफ कर दे। तो अहले बैत अतहार का मर्तबा उम्मत में और मुनफरिद है, जिनके बारे में हुजूर फरमाए कि फातिमा तो बिदतुम मिन्नी, फातिमा मेरे वजूद का टुकड़ा है। तो फिर वजूद मुस्तफ़ा की क्या शान है, उस नस्बत का क्या मकाम है। एक वो मकाम हो कि हुजूर चल रहे हों और हसन दोशे रिसालत पर बैठे हों
सुभान। और कोई